नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज़। न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम उत्तराखंड के विषय को लेकर के बैठे हैं न्यूज़लाइन में अपने मेहमानों के साथ चर्चा करने के लिए। दरअसल उत्तराखंड का जो सियासी संकट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 18 मार्च से शुरू हुआ ये सियासी संकट लगातार जारी है। 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था उत्तराखंड में। 28 मार्च को बहुमत साबित करना था। इसके खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया कि 31 मार्च को हरीश रावत शक्ति परीक्षण में अपने बहुमत साबित करें। साथ में ये भी फैसला सुनाया उत्तराखंड यानी कि नैनीताल हाईकोर्ट ने कि जो 9 बागी विधायक हैं वो भी मतदान में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी उनका जो मतदान होगा वो लिफाफे में बंद होगा। इसके जवाब में दोनों पार्टियों ने, खास करके कांग्रेस और बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने बड़े बेंच के लिए अपील किया और बड़ी बेंच ने फैसला सुनाते हुए जो 31 मार्च को बहुमत साबित करने की प्रक्रिया के तहत विधानसभा में दस्तक देना था हरीश रावत को, उस पर रोक लगा दी और इसके लिए 6 तारीख का वक्त मुकर्रर किया है। यानी कि एक बार फिर 6 अप्रैल पर सबकी निगाह टिकी है। 6 अप्रैल को फैसला आएगा। देखने वाली बात यह होती है कि क्या कुछ निकल करके आता है कांग्रेस ने, बीजेपी ने और 9 बागी विधायकों ने भी जो उनकी उन्हें अयोग्य घोषित किया था विधानसभा अध्यक्ष ने, उसके खिलाफ भी अपील की थी, लेकिन उस पर स्टे लगाने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया। काफी दिलचस्प होता जा रहा है उत्तराखंड की राजनीतिक पहलू को अगर समझने की कोशिश करें तो। इसी पर हम चर्चा करेंगे न्यूज़लाइन में। तो हम असल चर्चा कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ, लेकिन रिपोर्ट भी हम देखेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो सियासी संकट चला है उसको लेकर के काफी हंगामा चल रहा है और जो हाई कोर्ट की बड़ी बेंच है उसने रोक लगा दिया, यानी 31 तारीख को शक्ति परीक्षण नहीं होगा। देखने वाली बात यह होती है कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। कांग्रेस ने पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हरीश रावत को 28 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित करना था, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के साथ साथ कई और पार्टियां इसे लोकतंत्र का हनन बता रही हैं। साथ ही ये भी इल्जाम लगा रही हैं कि बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। वहीं उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 34 विधायकों के साथ राज्यपाल के पॉल से मिलने पहुंचे। साथ ही कांग्रेस ने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर आपत्ति जताई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस यूसी ध्यानी की सिंगल बेंच कर रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बिहार में रामेश्वर नाथ और कर्नाटक में एसआर बोम्मई केस का हवाला देते हुए कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठों के आदेश हैं, जबकि सदन में ही बहुमत का फैसला होना चाहिए। साथ ही सिंघवी ने धारा 356 के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। इन तमाम अटकलों के बाद कांग्रेस विधायक हिमेश खरकवाल ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को गलत ठहराया है और कहा कि पार्टी आज भी बहुमत साबित कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत के हुए स्टिंग वीडियो को भी सही बताया जा रहा है। तो उत्तराखंड का जो सियासी संकट है वो बढ़ता ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे राज्य के लोगों की निगाह तो टिकी ही है, देशवासियों की भी निगाह उत्तराखंड पे जा टिकी है। एक तरफ जो कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का इल्जाम लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये दलील पेश कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। लेकिन इसके खिलाफ जब कांग्रेस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हाईकोर्ट ने 31 मार्च की तारीख तय कर दी हरीश रावत के लिए कि वो अपना बहुमत साबित करें और 9 बागी विधायकों को भी इस बात की इजाजत दे दी कि वो मतदान में शरीक हो सकें। इसके खिलाफ कांग्रेस ने भी और केंद्र सरकार ने भी बड़े बेंच में जाकर के अपील की। बड़ी बेंच की तरफ से ये फैसला आया और 31 मार्च को जो बहुमत साबित करने की प्रक्रिया अपनाई जानी थी उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन दिलचस्प पहलू इसमें यह भी है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने बड़ा ही जबरदस्त इल्जाम लगाया है केंद्र सरकार पर, जो केंद्र सरकार में खुद शामिल है, महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ शामिल है और
शिवसेना का ये कहना है कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, बहुमत साबित किए जाने का मौका दिया जाना चाहिए। सामना मुखपत्र जो शिवसेना का सामना है उसके संपादकीय में ये बात लिखी गई है। हम तमाम मुद्दों को लेकर के अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने मेहमानों का हम परिचय करा दें, इंट्रोडक्शन करा दें। इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, विकास वर्मा जो कांग्रेस के नेता है, युवा नेता है, विकास वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा देवेंद्र सिंह आर्या है जो अध्यक्ष हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास पार्टी के, देवेंद्र सिंह आर्या आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शैलेंद्र जायसवाल जो बीजेपी के नेता हैं और वकील भी हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जायसवाल जी। इसके अलावा अनुराग सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, अनुराग सिंह आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे रुख करते हैं बगैर वक्त गंवाए शैलेंद्र जायसवाल के पास, चूंकि बीजेपी के हैं ये और इनकी पार्टी की केंद्र में सरकार है और इनकी पार्टी पर बहुत सख्त इल्जाम शिवसेना ने भी लगाया है और कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो ऐसा माना गया कि केंद्र सरकार को झटका लगा, हालांकि स्टे भी लग गया है। शैलेंद्र, क्या जरूरत थी कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, नंबर एक? नंबर दो ये है कि जो फैसला आया है कोर्ट का, उसे आप कैसे देखते हैं? देश में गत दो वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार की पारदर्शिता और सबका विकास सबका साथ लेकर काम कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्वच्छ छवि और स्वच्छ इस देश की छवि बनाकर रखना चाहते हैं। आपको भी पता है किस प्रकार से 18 मार्च की घटना फ्लोर ऑफ दी उत्तराखंड के असेंबली में हुआ, क्या 18 मार्च की घटना के बाद वित्त विधेयक गिर जाना और वहां के असंवैधानिक रूप से उसको हल्ला बोल पारित करा लेना, स्पीकर जो उस हाउस के सदन की गरिमा है, जब उनके विधायक कह रहे हैं मत विभाजन होना चाहिए, विपक्षी पार्टियां कर रही मत विभाजन होना चाहिए, तो इतनी जल्दी क्या थी कि उन्होंने मत विभाजन को छोड़ करके 18 मार्च को एक संवैधानिक संकट खुद खड़ा किया वहां के विधानसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जिस भी प्रदेश की सरकार में संवैधानिक संकट होंगे, हम 356 का सदुपयोग करते हुए राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में जो भी होगा उचित कदम और राष्ट्रीय शासन लगाना नितांत आवश्यक था। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं आप? कोर्ट के फैसले का हर पहलू से स्वागत करते हैं, लेकिन कोर्ट ने कभी भी राष्ट्रपति शासन को कंडेम नहीं किया है। राष्ट्रीय शासन अभी बरकरार है, राष्ट्रीय शासन के बाद कब तय होगा ये कोर्ट को देखना है। शिवसेना ने कहा है लोकतंत्र की हत्या की है बीजेपी ने, शिवसेना ने लोकतंत्र की हत्या नहीं कहा है, शिवसेना ने केवल एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, परंतु ये भी कहा है कि क्या वो उनके अयोग्य विधायक जिनको वो अयोग्य बोल रहे हैं, क्या वो उनकी पार्टी के लोग नहीं है, क्या उनकी मांग जायज नहीं थी? मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि शिवसेना ने जो उंगली उठाई है आप पर, उस पे क्या कहेंगे आप? शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है जी, बहुत सारे विषयों साथ में, ये भी कहा कि मजबूरी में है साथ में हम, नहीं नहीं मजबूरी में है, लेकिन किसने कहा कि मजबूरी में है तो हमारे 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 पक्ष में ही बयान देंगे, उनकी सोच उनका दृष्टिकोण। यानी शिवसेना ने गलत कही बात, शिवसेना ने अपने दृष्टिकोण से जो कुछ कहा है, हमारा उसका कोई दृष्टिकोण से कोई नहीं। आप जब यहाँ कह रहे हैं कि ये गलत हुआ वो गलत हुआ, तो शिवसेना ने जो बात कही वो सही है गलत है? शिवसेना का अपना मत है, मेरा मत ये है गलत है या सही है? नहीं, उसका मत अपना है, मैं उनकी मत को, मैं अपनी मत पर अड़िग हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस पे आप नहीं बोलेंगे, केंद्र की सरकार ने नहीं बोलेंगे आप, केंद्र की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो देश हित में प्रांत हित में। शिवसेना ने गलत बात कही या सही बात कही इस पे आप नहीं कुछ बोलेंगे, सही बात है, जाहिर सी बात है। विकास वर्मा आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? आप कांग्रेस की कुल मिला के हत्या करी गई है और कुछ नहीं किया गया इनकी जैसे पार्टी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने कहा जी। हम भी वही कहते आए हैं, इसी तरीके से असम में लगे हुए हैं, हर जगह पे सामना का। अगर आपके पास मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा है, मेरा नाम फैज है, फैज भाई, कोई बात अगर सामना का अगर आपके पास ऑनलाइन पेज हो तो मैं आज संजय राउत को ठीक प्रकार से सुन पा रहा था, एक सेकंड, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या नहीं कहा है जी, बोले कोर्ट ने भी, चलिए जो बात कही है कम से कम आप इतना तो कह देते कि उन्होंने जो बात कही है सही कही है गलत कही है, जब अच्छी बात कही तो स्वागत कर लीजिए आपका ना उनका मत है। शैलेंद्र जायसवाल बड़ा अच्छा मौका है, अगर शिवसेना ने अच्छी बात कही तो स्वागत कर लीजिए, शिवसेना का अपना अपना मत है, अगर ये बात नहीं कही जी, अगर अच्छी बात कही तो स्वागत कर लीजिए, आपके सहयोगी पार्टी है वो, इसमें क्या बुराई है? आप स्वागत भी नहीं कर रहे हैं, कंडेम भी नहीं कर रहे हैं, एनडीए के तो और भी सहयोगी हैं, मैं शिवसेना की बात कर रहा हूँ, शिवसेना ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है।
नहीं नहीं वो या केंद्र सरकार के खिलाफ जाता है। सुप्रीम कोर्ट को आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि राष्ट्रपति शासन इतनी जल्दी लगाने की जरूरत क्या थी। नहीं ये जो बड़ी बेंच ने पूछा है कि इसकी आवश्यकता क्या है, लेकिन विकास विकास ठीक है, या आप उंगलियां दूसरों पे उठाएं ये सही है, लेकिन आप पे जो उंगलियां अपनों ने उठाई है उसके बारे में क्या कहना है? देखिए जो होता है कांग्रेस में एक हाई कमान होती है, जो डिसीजन लेती है वो हमेशा सर्वोपरि होता है हमारे लिए। जी तो इसीलिए वो नौ विधायक हैं, उनकी अपनी हर कोई नहीं, हाई कमान क्या भी दस्तक दिया था, ये इल्जाम लगाया है कि हाई कमान क्या भी दस्तक, राहुल गांधी से वक्त मांगा, वक्त नहीं मिला। राहुल गांधी सोनिया गांधी जी बिल्कुल बिल्कुल उनके एक पूर्व मुख्यमंत्री चलिए विजय भांगड़ा ठीक है, विजय भांगड़ा के बेटे साके देवेंद्र सिंह आर्य, देवेंद्र सिंह आर्य आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को जो उत्तराखंड में चल रहा है? देखिए मेरा दृष्टिकोण जो है इसमें बहुत साफ है जी, 71 विधायक हैं जी उत्तराखंड विधानसभा में, 18 मार्च की 70 है शायद 71 होते हैं, चलिए 29 तो है इसके 70 है 70 है जी 70 है विधानसभा की 70 सीटें हैं जी, चलिए हाँ चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलिए 70 में से 18 मार्च को 68 विधायक विधानसभा में उपस्थित हैं जी, उनमें से 35 विधायकों ने वित्त विधेयक पर मत विभाजन की बात रखी जी, लेकिन उन 68 में से यदि 35 माने जाते हैं तो बहुमत में चले गए जी, और वित्त विधेयक अल्पमत से गिर रहा था जी जी, जब वो गिर रहा था तो उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो कार्रवाई की गई उस वित्त विधेयक को पारित करा लिया गया आनन फानन में, अल्पमत में होते हुए भी जी, वहां से जो कार्रवाई है विधानसभा अध्यक्ष की और कांग्रेस की ये गलती रही है, ये राजनीतिक भूल रही है, इसी आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू, इसी आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू, तो 18 से 27 मार्च में 9 दिन का वक्त हो जाता है। एक सेकंड, यहाँ जो समय अधिक दिया गया ये फिर गलती हो गई जी, क्योंकि उससे हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिला। तो किसने ये गलती कर दी? ये गलती करी उसने विधानसभा अध्यक्ष ने, स्पीकर ने 28 मार्च की तारीख तय की थी, था 9 दिन का 10 दिन का, ये स्पीकर ने दी थी टाइम कि आप 28 मार्च को आके बहुमत साबित करें, नहीं 28 तारीख तक का बहुमत साबित करने का विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय था ये वह गलत था राज्यपाल, और उसके बाद के पॉल जो राज्यपाल है के पॉल राज्यपाल ने उसी पर स्वीकृति दी। चलिए ठीक है, अनुराग सिंह से इन तमाम पहलुओं को समझते हैं क्योंकि कानूनी दांव पेश भी है इसमें जी, बिल्कुल जी बोलिए बोलिए जी बिल्कुल बिल्कुल जी देवेंद्र सिंह, इसके पहले थोड़ा सा एक राजनीतिक उदाहरण के लिए मैं एक बात और रखना चाहूंगा, जो कि राजनीतिक बेईमानियां किस तरीके से हो जाती है और फिर भविष्य के लिए उदाहरण बना लिए जाते हैं, फिर सिखाई जाती है। मुझे हाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा प्लीज शैलेंद्र जी, जिस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा और बसपा का शासन है जी, बसपा के कुछ विधायक टूट करके एक अलग गुट बना लेते हैं जी, उस समय जो विधानसभा अध्यक्ष है केसरीनाथ त्रिपाठी है जी, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ, वे अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जी, उसमें से जो विधायक टूट करके गए उनके बारे में जब पत्रकारों ने ये पूछा उनसे कि साहब इस पर निर्णय आप कब ले रहे हैं, क्योंकि निर्णय आपको लेना है जी, कि इनका जो है अल्पमत में आ गए हैं और ये दल बदल कानून के विरोध में जा रहा है इनका निर्णय जी, ये इस तरीके से नहीं हो सकता था, तो वहां पर जो स्टेटमेंट उनकी आई है केसरीनाथ त्रिपाठी जी की, वो ये आई थी निर्णय मुझे लेना है लेकिन संविधान में ये नहीं लिखा कि मुझे निर्णय कब लेना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है उसके लिए और वो पूरी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ और उनका कोई निर्णय नहीं आया। कौन है केसरीनाथ त्रिपाठी? केसरीनाथ त्रिपाठी कौन है? ये उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे किस पार्टी और इस सब भाजपा के जी, भाजपा के सॉरी बुलवाना चाह रहा था मैं आपसे, भाजपा के थे गवर्नर है बिहार, उन्होंने जो है जो आज एक गवर्नर भी है उन्होंने इस तरीके का जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, इस तरीके से यदि 9-10 दिन का टाइम वहां पर दे दिया गया तो मैं उसको भी कहीं कंडेम नहीं करता, इसका मतलब कहीं केसरीनाथ त्रिपाठी से तो कहीं के पॉल बेहतर है जी, नहीं तो आपको ये भी बताते चले कि के पॉल राज्यपाल ने ये वक्त दिया था, विधानसभा अध्यक्ष नहीं वक्त दे सकता नहीं दे, जी बिल्कुल। अनुराग सिंह आपने सुना, तमाम मेहमानों को सुना, आपकी बड़ी बारीक निगाह रहती है खास करके कानूनी दाव पेच को आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं और सियासी पहलू पे भी आपकी निगाह बड़ी पैनी रहती है, जरा समझाएं। देखिए इस समय मैं जो पूरा प्रकरण है के पॉल राज्यपाल
जी, और तमाम रिकमेंडेशन उस पर इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अब मामला कोर्ट में लंबे जी, बिल्कुल, बिल्कुल सिंगल बेंच में गया, अब डिवीजन बेंच, बेंच में गया, तो हम लोगों को भी लगता है कि मेरिट्स पर नहीं जाएंगे जी आज जी, क्योंकि ओकेजन ये ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सियासी पहलू को भी छूने की कोशिश की है। लेकिन एक जो प्रमुख बात है कि हिंदुस्तान में जो परंपरा रही है 356 की, इसकी जननी कांग्रेस है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। पहला शासन अगर मैं ठीक हूं तो स्वर्ण सिंह साहब की सरकार गिरी जी, जी। और ग्राउंड ये था कि साहब सबसे ज्यादा एफआईआर हो रहे हैं आपके 1966-67 के आसपास की बात है जब शुरुआत हो गई जी थी। जी जैसे सरकार बदली राज्यों में जी। उसके बाद से अब तक इसका सदुपयोग या दुरुपयोग पूरी जनता के सामने है, सरकारें करती आ रही है जी। उत्तरांचल जो मौजूदा स्थिति है इसमें एक इतना महत्वपूर्ण पहलू है कि कांग्रेस पार्टी के अपने पूर्व मुख्यमंत्री, कोई एमएलए नहीं जी, विजय बहुगुणा जी, जो कि मुख्यमंत्री रहे जी बिल्कुल, और वो इस पूरे प्रकरण के अगुआ हैं जी। और इसको यदि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कहती है तो मुझे समझ में नहीं आती बात जी। भाई यदि आपके पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहा है और 8 लोगों को साथ लेकर अगर वो अपनी बात रखना चाह रहा है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को उसको सुनना चाहिए था जी। उन्होंने सुना नहीं और उसका परिणाम ये हुआ कि ये पूरा घटनाक्रम। हरक सिंह रावत और विजय बहुगुणा दोनों ने इल्जाम लगाया है कि 2 साल से वो वक्त मांग रहे थे, राहुल गांधी से वक्त नहीं मिला। बिल्कुल, ये मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ विकास जी, आपका भी टर्न आएगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ कि जब लोकतंत्र में आप जी रहे हैं, लोकतंत्र में आप सांस ले रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री यदि आपसे असंतुष्ट है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। आपने समय दिया नहीं दिया ये बेकार बात है, इसका कोई मतलब नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जब गवर्नर वहां बैठे हुए हैं देख रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जो कानूनी रूप से ठीक नहीं है। देखिए इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक फाइनेंस बिल का गिरना कोई साधारण बात नहीं है, गिरा नहीं गिरा ये कालांतर में पता लगेगा, लेकिन उसमें गिरना साधारण बात नहीं है। हाँ। नहीं। और लेकिन ये तय नहीं ना कि गिर गया। देखिए ये अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब इसमें विभाजन होने नहीं दिया ना अपने, मेरा मन बहुत है कहने का, लेकिन मेरा मन बहुत है लेकिन मैं कहूंगा नहीं। बिल्कुल, तो उन्होंने रेकमेंड किया कि इस पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, केंद्र सरकार ने इसको विवेचना करके अपना राष्ट्रपति शासन लागू किया जी। अब कानूनी पहलू पे अगर हम आए तो हाईकोर्ट ने पहला सिंगल बेंच ने क्या फैसला दिया कि जाके फ्लोर टेस्ट आप करें और 9 लोगों का लिफाफा बंद वो होगा, मतदान होगा। अब मेरी जो अपनी छोटी सी समझ है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब राष्ट्रपति शासन लग गया जी तो उसके बाद बचा क्या फिर? बचा जी, और शायद यही बात आज डिवीजन बेंच को अपील हुई होगी जो इसमें नोटिस हुआ है और 6 अप्रैल को तो ये एक जो समझने वाली बात है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पहला तो हो गया, क्यों लगा, किस कारण लगा। डिवीजन बेंच ने ये पूछा, जो मुकुल रोहतगी हैं अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आखिर कौन सी हड़बड़ाहट थी, जल्दबाजी थी कि 28 को आपको फ्लोर टेस्ट का आपने मौका वक्त दिया था और एक दिन पहले राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अब ये देखिए यही तो मेरे पास उत्तर उसका। जी अनुराग सिंह जरा बोलने का उत्तर ले लें। जी अनुराग सिंह बोलिए। मुझे जो लगता है जी कि पिछले इतिहास से कांग्रेस भाजपा ने सीखा नहीं ठीक से जी, थोड़ा सा सब्र अगर कर लेते तो आज शायद हम लोग इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे जी, थोड़ा सा सब्र कर लेते जी। शैलेंद्र जी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था आपको। सब्र कहाँ होता है? जहाँ उम्मीद ज्यादा होती है, जहाँ उम्मीद धुंधली होती है सब्र टूट जाता है। इसीलिए आपने पहले ही सरकार बनाई। मैं कहता हूँ सब्र का बांध वहीं टूटता है जहाँ पर संवैधानिक क्राइसिस पैदा हुई। क्या हम ये फ्री छूट देते कि देश का एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री उत्तराखंड का स्टिंग ऑपरेशन में जिस प्रकार की उनके वीडियो क्लिपिंग आ रही है, जिस प्रकार के उनके वायस आ रहे हैं, वो धीरे धीरे और लोगों को तोड़ करके अपने पक्ष में करते हैं। क्या ये साबित हो गया कि हरीश रावत पैसे ले रहे हैं? वो भी नहीं, स्क्रूटनी हो गई, तय हो गया एक दिन में, तय नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से चैनलों में, जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल के तहत आपने फैसला लिया, बहुत सारी देखिए कई घटनाक्रम है उसमें जी। उनके 9 विधायकों का बार बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास जाना, राष्ट्रपति जी के पास और आपके विधायकों के साथ गुड़गांव भी आना, वो सब काम करेंगे, मतलब बीजेपी के विधायकों के साथ आना। जी विकास जी आ रहे हैं, विकास जी आपके पास आएंगे और आपसे भी सवाल करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ, देश की सत्ता की सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई एक अलायंस की सरकार है जी। हमारा भी कुछ राजधर्म है, उस राजधर्म के मर्यादा के तहत जब कोई संवैधानिक क्राइसिस उत्तराखंड में पैदा हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है,
क्या हम उसको खुली छूट दे दें करने के लिए? उत्तराखंड की जनता के प्रति हमारी भी जवाबदेही थी, इस केंद्र की सरकार के चलिए देवेंद्र सिंह आर्या राष्ट्रपति की एक जवाबदेही थी। चलिए देवेंद्र सिंह आर्या, क्या राजधर्म निभाया गया उत्तराखंड में? जैसा कह रहे हैं शैलेंद्र जायसवाल, जैसा कह रहे हैं राजधर्म निभाया गया, और मेरे ख्याल से अगर राजधर्म निभाया गया तो शिवसेना को आवाज नहीं उठानी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ ये पहली बार नहीं है, शिवसेना को ये आवाज नहीं उठानी चाहिए थी। जी शिव अनुराग सिंह जी और जी वो भी राजनीतिक पार्टी है, जी दोनों ही विद्वान साथी हैं जी, लेकिन जो बात यहाँ कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी, और विषय के विपरीत कह रहे हैं जी। राजधर्म सिखाने की बात जहाँ तक है, राजधर्म का उत्तरदायित्व और निर्वहन तो दोनों पक्ष ही नहीं कर रहे, न तो कांग्रेस ही कर रही है और न भाजपा ही कर रही है जी। जब 10 दिन का टाइम दे दिया गया था गवर्नर द्वारा जी, तो इनको 28 तारीख का इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि मेरे दोनों साथी इस बात से बहुत वाकिफ है, मुझे उनके साथ आज यहाँ आने में ये खुशी भी हो रही है कि दोनों विद्वान साथी अधिवक्ता हैं और नेचुरल जस्टिस की बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं जी। वो किसी पार्टी से नहीं, वो किसी पार्टी से नहीं अनुराग सिंह, कोई नहीं अधिवक्ता तो है, इस बात की मुझे खुशी है, मैं एक अधिवक्ता के बीच में बात कर रहा हूँ। तो नेचुरल जस्टिस को मेरे लायक साथी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जी। नेचुरल जस्टिस की डिमांड यहाँ पर ये थी जी कि वो इनको बहुमत साबित करने के लिए 28 तारीख तक का समय देना देना चाहिए था, एक दिन पहले चाहे बेशक जो है की गई वो, और कुछ नहीं किया गया। अगर वो वास्तविकता ऐसी थी कि विधायक इनके साथ से जा रहे थे कांग्रेस से, हॉर्स ट्रेडिंग अपनी जगह चल रही थी, वो होती रहती, लेकिन फिर भी नेचुरल जस्टिस जब हॉर्स ट्रेडिंग चलेगी होती रहेगी तब कैसे होगा? ये बहुत हमें रोकना पड़ेगा, तब हम विकास वर्मा के पास भी आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो आपको बहुमत साबित करने का मौका दिया गया था उस पर स्टे भी तो लगाया है, मतलब रोका गया है फिलहाल, लेकिन हम इससे पहले कि आपसे सवाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं, ब्रेक से फौरन लौट करके आते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के संदर्भ में। कोर्ट में कांग्रेस गई थी, लेकिन कांग्रेस के कोर्ट में जाने के बाद जो कोर्ट का फैसला आया था उससे कांग्रेस को पहले राहत मिलती दिखाई दी, लेकिन अब बड़ी बेंच ने फैसला सुनाते हुए जो एकल बेंच का फैसला था उस पर रोक लगा दिया है। यानी 31 तारीख को जो फ्लोर में जाकर के टेस्ट देना था हरीश रावत को, उस पर रोक लगा दी गई है। और अब यानी कि 6 तारीख को फैसला आना है। सबकी निगाह उधर जाकर के टिक गई है। हम अपने तमाम मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले कि चर्चा की को आगे बढ़ाएं, हम अपने दर्शकों को ये बताते चले कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल जुड़ गए हैं। इरफान रसूल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ब्रेक पे जाने से पहले सवाल करना चाह रहे थे विकास वर्मा से। विकास वर्मा से सवाल लेते हैं, उसके बाद इरफान रसूल के पास चलते हैं। विकास वर्मा, कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी कि जो आपको फ्लोर टेस्ट देना था उस पर रोक लगा दी है, आप इसे कैसे ले रहे हैं? हम हर चीज के लिए राजी हैं। कोर्ट हमें कहीं इलेक्शन में जाना है तो इलेक्शन में राजी हैं। हमें कोर्ट नहीं कहेगा इलेक्शन में जाने के लिए, हम किसी भी हर चीज के लिए राजी हैं, लेकिन एक दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगाना ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। चलिए, उस पर तो बात बार बार हो ही गई है, लोकतंत्र की हत्या है और कुछ जी, बिल्कुल उस पर बार बार बात हो गई, लेकिन बात यही है नहीं, और ये तब हुआ ना कि जब आपके घर में आपके ही चिराग से आग लग गई, ये तब हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो इसकी नौबत ही नहीं आती, हम यहाँ बैठते ही नहीं है, ये होता ही नहीं। आपने बीजेपी वालों ने जिसकी सरकार होती है उसके पास बहुत सारी साकेत भागुड़ा कौन है, विजय भागुड़ा जी कौन है, आपके 9 विधायक की टीम के लीडर, आपके पूर्व मुख्यमंत्री विकास वर्मा। असल वही बात है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, आपने खुद को नहीं संभाला इसलिए ये सब दिक्कतें आ गई। शैलेंद्र जरा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल जी हैं, उनका भी तर्क ले रहे जी। बिल्कुल विकास वर्मा, इरफान रसूल पांचों जने नाइंसाफी कहेंगे आप। ये उत्तराखंड में जो चल रहा है 18 मार्च से, हालांकि अगर कहा जाए 18 मार्च से शुरुआत है, लेकिन शायद इसकी वानगी पहले से तैयार हो चुकी थी और पहले से तैयारी चल रही थी। ये तमाम घटनाक्रम जो उत्तराखंड में चल रहा है, खास करके पॉलिटिकल बेस को हम आगे लेते हुए अगर बात करें तो कैसे देखते हैं आप? नया चिराग किसे जलाना था, हमें तो हवाओं को आजमाना था। ऐसा लग रहा है दोनों पार्टियां मिलकर कंपनसेट कर रही हूं या सेटलमेंट कर रही हूं या डिस्प्यूट का कोई हल निकाल रही हूं। फैज, सवाल ये है कि लोकतंत्र के लिए यह बहुत ही दुखद है कि पार्टियां अपना वजूद इस तरह से खो रही हैं और जनता का विश्वास खो रही हैं। जनता का एतमाद उन पर बहाल था, शायद वो जनता के एतमाद पर खरी नहीं उतर रही हैं। इस तरह की घटना मैं समझता हूं जो हो रही है। अदालत का जो फैसला आया कि अब वो फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, अब 6 तारीख को फैसला होगा, 6 तारीख पर आपने कहा सबकी निगाहें लगी हुई हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी चीज पर सवाल उठाना, जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि हम सम्मान करते हैं, सम्मान तो करना है अदालत का, अदालत का तो फैसला है, लेकिन आखिर ये खरीद फरोख्त, ये हॉर्स ट्रेडिंग, क्या ये विधायक घोड़े हो गए? हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही है, उनको गुड़गांव ले जाया जा रहा है, उनको दिल्ली ले जाया जा रहा है, ऐसा लगता है इससे वो बिल्कुल एक पैकेज बना के रख दिया गया। मैं समझता हूँ बहुत ही, लेकिन वो खुद पैकेज बनने को तैयार भी तो है। तैयार जब बोली लगाई जाएगी फैज और नीलाम होने आएंगे और नीलाम हो रहे हैं, ये मैं नहीं कहता बीजेपी या कांग्रेस किसके, ये सबके लिए बड़ा चैलेंजिंग है और भारत की जो राजनीति है उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग है। अब कांग्रेस बीजेपी पर इल्जाम लगाएगी, बीजेपी कांग्रेस पर इल्जाम लगाएगी, लेकिन एक पत्रकार इसको इस तरह सोचेगा कि डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही दुखद और नाइंसाफी है, और जो लोग जीत के आए हैं, जो नेता चुनते थे, सरकार बनाते थे, उनके साथ ये अन्याय होगा कि अब उनकी कीमत लगाई जाएगी, उनकी बोली लगाई जाएगी। बिल्कुल, सवाल ये है कि अब 6 तारीख पर सबकी निगाहें, फैसला कोर्ट का आएगा, बड़ी बेंच ने एक फैसले को आज रद्द कर दिया कि अब फ्लोर टेस्ट कल जो होना था शायद वो नहीं होगा, यही है शायद जी। बिल्कुल यही है ही। सवाल ये है कि जो भी चीजें, अगर 9 विधायक जो वोट करेंगे या करते या जिनका वोट पड़ेगा, उनका फैसला बाद में होना था फैज, यही था ना जी? बिल्कुल, उनका फैसला बाद में होना था, लेकिन वो वोट पोल करेंगे, ये ऑर्डर था जी, ये ऑर्डर था जी। ये हुआ क्या? मैं कोर्ट पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि किस पार्टी को कितना नफा कितना नुकसान होगा। पार्टियां जरूर ये जोड़ घटा रही होंगी। हमारे साथ जो कांग्रेस और बीजेपी के लीडर मौजूद हैं फैज, उनसे अगर ये पूछा जाए कि कौन कैसा महसूस कर रहा है और किसको क्या लग रहा है, ये फैसला किसके हक में, किसके फेवर में गया आज का?
जी बिल्कुल, अनुराग सिंह से ही पूछे तो ज्यादा बेहतर, चूंकि पार्टी के जो नेता होते हैं वो पार्टी लाइन से हट के तो कह नहीं सकते, ये भी मजबूरी होती है। जी अनुराग सिंह क्या कहेंगे जो इरफान रसूल ने बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है। इरफान भाई ने वो बात कही जो मेरे ख्याल से हमारे पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है जी, कि क्या हम सही को सही और गलत को गलत कहना बंद कर देंगे जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात जो अभी चल रही है कि साहब कांग्रेस ने ऐसा किया, भाजपा ने ऐसा किया, तमाम स्थितियां हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो सबसे महत्वपूर्ण बात पूरे प्रकरण में है जी, कि किस तरीके से विधायिका चल रही है, और देवेंद्र भाई ने जो अभी कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है जी, जो आपने बात उठाई जी, या नहीं चल रही है, तो जो गवर्नर का फैसला आया था वो इसी वजह से आया था जी, कि इट इज नॉट परमिटेड, ये परमिटेड नहीं है कि आप किसी को खरीद फरोख्त करें और तमाम चीजें करें। और शायद उसको बचाने के लिए उन्होंने 356 को रिकमेंड किया, जो बाद में केंद्र सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया जी। तो अगर इस हिसाब से या इस तरीके से आप देखेंगे, क्योंकि विजय बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और क्या ऐसा हो गया दो साल में कि मतलब ये तो साफ दिख रहा है कि चूंकि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, तो ये पूरी उनकी कवायद रही कि किस तरीके से हरीश रावत की सरकार जाए। क्योंकि आप सब लोगों को ये विदित होगा कि जब उत्तराखंड में कांग्रेस जीती, कांग्रेस जीती, तो ये लगभग तय था कि हरीश रावत बनेंगे मुख्यमंत्री, और अचानक से विजय बहुगुणा का कैंडिडेटचर आया था जी, जी, तो जी, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से ये कांग्रेस ने बहन की रिकमेंडेशन पर रीता बहुगुणा की। चलिए अब जो भी हो, मैं जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या व्यक्तिगत दुश्मनी जो राजनीतिक है वो इस स्तर तक आ जाएगी कि पूरे राज्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जी। बिल्कुल, जैसा कि इरफान रसूल ने कहा अनुराग सिंह की, मेरा आप अनुराग जी किस पार्टी से हैं? नहीं नहीं, वकील मेरा कोई पार्टी से है नहीं, राइट, मेरा इससे हटके कहना था कि पार्टी कोई भी हो, कोई भी जिम्मेदार हो, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा संविधान है, तो इस तरह की खरीद फरोख्त कहीं ना कहीं अपमान है इन विधायकों, यही बात तो, यही बात तो कह रहे हैं, बिल्कुल सांसदों का, यही बात कह रहे हैं, कहां लाकर खड़ा कर दिया बिल्कुल इरफान पर हमें ले आए, फायदे नुकसान की बात कर रहे थे पार्टियों के संदर्भ में, सवाल पैदा। देखिए इरफान भाई, जिम्मेदारी तय करनी होगी, अगर विजय बहुगुणा दोषी है तो उनके बारे में कहना होगा, किसी एक को नहीं, बिल्कुल नहीं, करार नहीं दे सकते, नहीं नहीं, हम इस चीज से परहेज नहीं कर सकते, गोल गोल बात नहीं चलेगी, स्पष्ट कहना होगा, जो दोषी है उसका नाम लेना होगा आपको, आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि देश इम्पोर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है तो उसकी नींव में किसने चुनाव होगा ये देखना पड़ेगा। नौबत है कोर्ट के ऑब्जर्वर जाएंगे, कोर्ट के ऑब्जर्वर जाएंगे फ्लोर टेस्ट के लिए, वो निगरानी करेंगे, वो मॉनिटरिंग करेंगे, यानी विधानसभा के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ हो, नहीं उस पे तो फिलहाल रोक लगा दी गई, इरफान रसूल इस पे रोक लगा दी गई, वो स्टे हो गया, ये बात तो पहले आ गई, हाँ। मैंने कहा ये बात आई थी जी, आई थी, वो मॉनिटरिंग करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ जी बिल्कुल, वो अब उससे आगे बढ़ चुके हैं जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सिंगल, लेकिन जी जी ठीक है, जस्टिस उनियाल साहब का जो जजमेंट था जी, या जो उनका ऑब्जर्वेशन था जी, वो तो अब पूर्ण रूप से स्टे हो गया है, और उस पर हम लोग बहस ना करें, ना करेंगे, हम बहस करेंगे 6 अप्रैल के, चलिए उस पर भी हम नहीं बात करेंगे, लेकिन आपसे एक सवाल जरूर करेंगे हम जी, जी कि अगर हरीश रावत की सरकार चली जाती है तो आप सरकार बनाएंगे पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक पार्टी है, केंद्र की सत्ता में इस समय हम हैं, इसीलिए और हम इसके साथ बनाएंगे, भाजपा नेता से आप जो सवाल कर रहे हैं वो हाइपोथेटिकल नहीं लग रहा, आपको लग रहा है सारी कवायद भाजपा ने इसीलिए की, अब आप करें तो क्या सरकार बनाएंगे? नहीं, किसके साथ बनाएंगे? किसके साथ बनाएंगे? सरकार का मौका निकालेंगे, किसके साथ बनाएंगे? कांग्रेस ही जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी को। शैलेंद्र जी, किसके साथ सरकार बनाएंगे? देखिए नौ कांग्रेस के बागी विधायक हैं, वो माननीय विधायक पिछले 2 सालों से जी तड़प में थे, 2 साल से आप खामोश, आपको एहसास था, हम तो जनता के मैंडेट का आपको मालूम था, सम्मान कर रहे थे, 2 साल से ऊपर की भूमिका में बैठे थे, आपको मालूम था जी भाईजान, पता था, हम 2 वर्ष से जनता के सम्मान में उत्तराखंड की सरकार में विपक्षी भूमिका में बैठे हुए थे, तड़प, एक दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगा दो, आप ये बताइए हमको राजनीति, हम राजनीतिक दल है जी जी आप, या हम कोई दूसरे दल है? आप हम राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक अवसर का लाभ उठाना, देश के लिए निर्णय करना, ये प्रत्येक राजनीतिक दल का कर्तव्य है, राष्ट्रपति शासन लगा देना, ये मैंडेट है, क्या राज्यपाल की रिपोर्ट नहीं थी?
क्या हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई? क्या विजय भागुआ जैसे लोग जो उनके मुख्यमंत्री थे वो कह रहे हैं देश में असंवैधानिक सरकार चल रही है, क्या हम ये छोड़ देते हरीश रावत? तो लगाया तो आप 356 लगाया तो आपने, मैं कह रहा हूँ क्या पड़ा, अगर 356 नहीं लगता आपने उस प्रदेश के अंदर स्टे हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी अनेकों प्रकार के निर्णय लेने में स्वतंत्र थे, हॉर्स रेडिंग करें निर्णय ले, जो वो सरकार जो मत विभाजन में पूर्ण रूप से गिर गई थी 18 मार्च की घटना। और डिवीजन बेंच में जो सुनवाई हुई है उसमें जो सवालात किए गए हैं, कुछ सवाल हमारे पास हैं जो सवाल जवाब की प्रक्रिया चल रही थी, हालांकि अभी फैसला आना बाकी है इसलिए हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सवाल यह किया था कि किसी भी पार्टी को अपना बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का मौका देना जरूरी है और यह सबसे स्वस्थ प्रक्रिया है। एक दूसरी चीज जो डिवीजन बेंच ने कही, हमारी ड्यूटी यह है कि किसी भी स्थिति में धारा 356 का राजनीतिक इस्तेमाल न होने दें, ये बातें भी कही है कोर्ट ने। शैलेंद्र जी, राजनीतिक इस्तेमाल न होने देने की बात कोर्ट ने कही है, ये नहीं कहा है। इस पे बीजेपी लीडर से एक सवाल, आपसे एक सवाल, अगर राजनीतिक इस्तेमाल नहीं था तो कोर्ट ने स्टे क्यों दिया? कोर्ट ने स्टे राष्ट्रपति शासन को नहीं दिया, लग गया एक दिन पहले राष्ट्रपति कोर्ट ने 356 को सेटिसाइड नहीं किया है, कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को बहाली रखा है। अगर ठीक है इसी टेक्नोलॉजी को समझा जी, इरफान रसूल अनुराग सिंह से इसी टेक्नोलॉजी को समझते फिर सवाल जी, सवाल का जवाब दे आप जल्दी से। मेरा सवाल मैं कह रहा हूं, अगर जो बात कोर्ट ने कही है आप भी वेट कर सकते थे, अगर फ्लोर टेस्ट का मौका होता तो शायद ये वक्त नहीं देखना पड़ता। क्या राष्ट्रपति इंतजार, क्या माननीय राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की रिपोर्ट और केंद्र की रिपोर्ट के आधार पर जो शासन लगा है बिल्कुल वो जायज नहीं है? लेकिन यहाँ आप क्या हॉर्स रेडिंग होने देना, आपने अभी आपने प्रदेश के अंदर खुलेआम जनता के सम्मान का हेलना करें? तो आप क्या कर रहे जब, जब फैस हम जो जनता के सम्मान को बचा करके राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो जायज है, क्योंकि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ये सब हुआ है, ऐसा नहीं है। अनुराग जी 1827 जब फैस ने आपसे कहा कि आप सरकार बनाएंगे तो आपकी पहली वर्डिंग ये थी? नहीं नहीं, शैलेंद्र जी से पूछा था अनुराग जी, सरकार बनाने की उत्तराखंड की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहा, भारतीय आपने ये नहीं कहा, जब कांग्रेस विफल है आपने ये नहीं कहा, कांग्रेस विफल है आप आदि लगे कांग्रेस फ्लोर ऑफ द टेस्ट में अगर गिर जाती है, गिर जाती है ना, मैं वर्ड रिपीट करता हूँ, आपने कहा राष्ट्रपति शासन लगाया क्यों? बात सुनिए, आपने कहा कि हमारी केंद्र सरकार है तो निर्वाह करने के लिए आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल, अरे आप बात सुनिए, अच्छा लगा दर्शकों, आपने कहा हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र में सरकार है तो उसकी धमकी उसकी धमकी दी जाएगी क्या? क्या संविधान से ऊपर है सरकार? क्या देश से ऊपर है सरकार? सरकार है, लेकिन कोर्ट पहली बार शर्मनाक है कि कोर्ट को यह कहना पड़ा और कोर्ट यहां तक पहुंची, ये शर्मनाक भी है, इसको मानिए आप। केंद्र में सरकार है इसमें आपको भी और मुझे भी कोई संदेह नहीं है, वो है और पूर्ण मेजोरिटी की सरकार है, परंतु हमारी भी एक जवाबदेही है जनता के लिए, है तो भाई सरकार का दबाव है, इसका मतलब हमने कहा हमारी भी एक जवाबदेही है, केंद्र में केवल केंद्र का काम करना नहीं, इस देश के जितने भी प्रदेश हैं, अगर जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को निकाल दो, सुनिए भाई साहब, अगर कहीं भी संवैधानिक संकट उत्पन्न होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उत्पन्न होती है, तो उन प्रदेशों में हस्तक्षेप करना, जनता के आपकी नीति उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना, क्या राष्ट्र क्या माननीय राज्यपाल ने 27 तारीख से पहले वो सीडी को देखने के बाद जो रिपोर्ट केंद्र को भेजी है उस रिपोर्ट के आधार पर जो कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या वो सब चीजें जनता ये देख रही है? एक सेकंड, क्या ये स्थितियां आने क्यों दी गई? स्पेशल चार्टर्ड उत्तराखंड में 18 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्राइसिस पैदा किए गए और सेंटर की गवर्नमेंट मुझे बाउंड्री जनता हित में लिया गया निर्णय है, जनता के हक में लिया कोई उत्तराखंड की सरकार जनता के हित में लिया गया निर्णय, अनुराग जी सरकार दी थी उन्होंने, अनुराग जी साले दीजिए 6 अप्रैल को देखा जाएगा। उन्होंने कहा बीजेपी लीडर जो है ठीक है, उन्होंने कहा कि तड़प महसूस कर रहा था, तो अगर कांग्रेस में 9 विधायकों की तड़प थी तो बीजेपी को उसका एहसास था, या बीजेपी तड़प पैदा करने में शामिल थी, या बीजेपी ये तो
ये तो राजीव गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो जो विरासत के लोग कहते हैं, जो राहुल गांधी जो कांग्रेस की विरासत के लोग दर्शकगण वो बताएंगे। सिर्फ सिर्फ मैं ये चीज वही कहना चाहता हूँ, मैं वही कहूंगा कि ये अगर ये नौबत आती रही तो जो जनता का सम्मान है और मैंडेट का जो सम्मान है और रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हैं उनका कहीं ना कहीं अपमान इस तरह से हुआ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, फिर वही कहूंगा कंपनसेट ना करें बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करें ताकि जनता का एतमाद बहाल हो सके। ये बहुत ही बदनसीबी की बात है कि कोर्ट अगर सब कुछ कोर्ट को करना है तो ये जमहूरियत, ये लोकतंत्र, ये डेमोक्रेटिक सेटअप जो है हमारे लिए बहुत शर्मनाक, इसके लिए बे इंतहा शर्मनाक है। ये बहुत जरूरी है, इसमें राजनीति से हट के भी मैं लेकिन इरफान फैज के सियासी पहलू को भी समझना जरूरी है। ठीक है, सियासी पहलू के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं फैज वही बात, मैं वही बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये लम्हे फिक्रिया है, सोच सोच की जरूरत है। सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन संविधान और देश और लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है और हमारा जमहूरी जो निजाम है, जो सिस्टम है, वो बहुत बड़ी चीज है। चलिए, बहुत बड़ी चीज है जी। अनुराग सिंह, बीजेपी ने जब अपील की है कोर्ट में तो उसने कहा है कि कोर्ट को ये कोर्ट जो राष्ट्रपति शासन है उस पर स्टे नहीं लगा सकती है, ये बीजेपी की अपील में दलील दी गई है, क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा बिल्कुल सही है जी। अदालत ने जो सिंगल बेंच में पहले गया तो वहां कोर्ट ने 356 पर कोई टिप्पणी नहीं की जी। और उन्होंने कहा कि साहब इस तरीके से सील एनवेलप में आप जाइए, फ्लोर टेस्टिंग करिए जी। उसके बाद आज जो दलील हुई उसमें प्रमुख बात यह थी कि जब 356 की धारा लागू हो गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया जी, तो फिर विधानसभा में कोई भी कार्यवाही होने का मतलब क्या है? ये एक संवैधानिक प्रश्न है। हाँ, इसलिए मैंने पूछा है जी, तो ये बात भी समझ सकें जी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब सरकार ही नहीं है तो फ्लोर टेस्टिंग किस बात की? हाँ। ये प्रथम दृष्टया है चूंकि, और शायद यही आर्ग्यूमेंट रहा होगा और इसी वजह से कोर्ट ने उसको स्टे भी किया क्योंकि ये लीगल बात है जी। लेकिन जैसा इरफान भाई कह रहे थे कि सामाजिक पहलू भी होता है हर चीज का जी। और हमारी अदालतें, न्यायपालिका, विधायिका सब इस चीज को मानती है और इसी वजह से एक प्रश्न किया कि इतनी जल्दी क्या थी जी। अब इस चीज में मैं एक चीज और जोड़ दूं कि केवल गुड़गांव ही नहीं गए विधायक, विधायक पुष्कर भी गए, राजस्थान भी गए। अब विधायक पुष्कर क्यों गए, ये भी बात महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो एलिगेशन है वो सिर्फ एक साइड में है, दोनों पार्टियों पे है। अगर ऐसा नहीं था तो दोनों पार्टियों के बारे में कही ये बात। सर, ये जी मैं एक बात कहूंगा, हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ही महजब और ऐसा लगता है इंटेलेक्चुअल वर्ड हो गया है। ये खरीद फरोख्त है, सेल परचेज है, ये बाजारीकरण हो रहा है विधायकों का। ये बहुत फिक्र की बात है। हॉर्स ट्रेडिंग तो एक अरबिक बहुत लंबी डिटेल है, वो बताऊं वो तो उससे आ गया, लेकिन ये बाजारीकरण जो है, ये कॉमर्शलाइजेशन जो है, ये तो बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा, बहुत ही बड़ा जाहिर सी बात है, नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है खुद को। बिल्कुल, देवेंद्र सिंह आ रहे हैं, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, हम जाते जाते चाहेंगे कि आप लोगों से टिप्पणी ले लें। देवेंद्र सिंह आ गया, केवल एक मिनट। हाँ बिल्कुल, जल्दी से एक मिनट में निपटा। विकास वर्मा जी तो कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या है जी, मैं इनकी बात से कुछ हद तक तो सहमत हूँ। लोकतंत्र की हत्या हो रही है जी और संविधान की मूल भावना के विपरीत कार्य हो रहा है जी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करना तो कांग्रेस ने ही तो सिखाया है, इसलिए अब भी हो जाए। इसलिए आप कांग्रेस देखिए अब भी हो जाए, किसी एक की गलती उस पर दूसरी गलती रख के उसको ढका नहीं जा सकता। फिर बोलने दीजिए देवेंद्र सिंह आर्य को, बोलने दीजिए। हाँ हाँ, वक्त कम है, बोलिए जल्दी से, बोलिए। हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी बहुत शांति सुन। हाँ चलिए जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी। जिस समय कल्याण सिंह की उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, आपने बहुमत की सरकार, कांग्रेस ने बहुमत की सरकार को गिरा करके जगदम्बिका पाल को चीफ मिनिस्टर बना दिया। नहीं, उसका नतीजा कांग्रेस को मिल गया है, आपने देखा देवेंद्र सिंह आर्य, कांग्रेस को उसका नतीजा मिल गया है। कहां आ गई कांग्रेस आपको पता है? शपथ हुई थी उसमें, टेस्टिंग का टाइम दिया गया था, मुझे पता है। इस तरह मत बहकाइए आप, नहीं बहका नहीं रहे, शपथ हुई थी उसमें, शपथ उसके पहले से गलती होती आ रही, इसलिए होती रहे, ये कौन सी दलील? होती रहे नहीं, जनता के हित में लिया गया फैसला है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए देवेंद्र सिंह आर्य को, बोलने दीजिए। लोक हित में लिया गया, जल्दी से बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। विकास वर्मा जी की इस बात से नहीं सहमत कि मैं आगे इसको कहता हूँ कि ये बढ़ती रहनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, जल्दी से बता दीजिए देवेंद्र सिंह आर्य, क्या चाहते हैं उत्तराखंड में? लोकतंत्र की, आप भी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या चाहते हैं आप उत्तराखंड में, जल्दी से? उत्तराखंड में ये फ्लोर टेस्टिंग होना चाहिए जी, वहाँ पर जो है
तौर पे ही निर्णय होना चाहिए किसके साथ बहुमत है किसके साथ नहीं है। दोनों राजनीतिक पार्टी अपने अपने शैलेंद्र जी गलत कर रही है। शैलेंद्र जी क्यों नहीं फ्लोर टेस्टिंग हो जाए? फ्लोर टेस्ट तो 18 मार्च को हो गया था। अच्छा, वित्त विधेयक का गिर जाना और जिस प्रकार से स्पीकर ऑफ द हाउस को अपनी गरिमा खो करके एक पार्टी के विधायक के नाते काम करना, जब उस दिन हो गया था तो 27 को क्यों लगाया? 19 को लगा देता राष्ट्रीय शासन। उसी घटनाक्रम के परिपेक्ष में तो राष्ट्रीय शासन लगा है। नहीं तो अगर दो दिन का समय वक्त ले लिया आपने, हरीश रावत जी 18 मार्च को ही समझ जाते कि मेरे अपने पार्टी के विधायक, मेरे अपने पार्टी के पूर्व सीएम, उनका पुत्र साकेत भगुड़ा जैसे लोग चाहते नहीं कि हरीश रावत की सरकार उत्तराखंड में रहे, तो जनता के हितों में लोग, इसलिए आप क्यों चाहेंगे जब वही नहीं चाहते तो? यस, हाँ, लोग हित में यह निर्णय है, हित में यह निर्णय है। इसलिए वहाँ पर सरकार मौका देना चाहिए जो बीजेपी हित में है ना, लोग हित में, जनता के हित में, जो बीजेपी के दिक्कत है ना उत्तराखंड, जो बीजेपी का दिक्कत है। लेकिन इरफान रसूल, हम बीजेपी के ही क्यों, हम कांग्रेस से क्यों नहीं? पूरी बात सुनते नहीं आप। हाँ बोलिए। बीजेपी की जो दिक्कत है वो कांग्रेस की दिक्कत है, आपने पूरी बात नहीं सुनी। हाँ बताइए। मैं बीजेपी से कांग्रेस पे आ रहा हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। हाँ जी, हम लोग पत्रकार हैं। जी बिल्कुल। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर वो 9 एमएलए जो है डिस्क्वालीफाई हो गए तो सरकार ये कैसे बना पाएंगे? तो बात सिर्फ 9 एमएलए की है तो सारी मेहनत बीजेपी की बेकार हो जाएगी। और कांग्रेस ये कि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए तो कांग्रेस मेजोरिटी प्रूव कर देगी। खेल पूरा ये है, खेल उन 9 लोगों का है जो बाजार में नीलाम हो रहे हैं, उनकी नीलामी इतने, कैसे होगी? इतने शब्द और अस्तर का, ठीक है, नीलाम जो बाजार नीलाम हो रहे हैं, बिल्कुल नीलाम हो रहे हैं। और कुछ नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग। थोड़ा सा मर्यादा बना के रखें, थोड़ा सा मर्यादा बना के रखें। हमें वाइंड अप करना है, हमें वाइंड अप पे जाना है, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है जी। चलिए ठीक है, ठीक है, क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है। वाइंड अप, अगर वाइंड अप, वाइंड अप, चलिए चलिए। अगर अगर नीलामी नीलामी फरोख्त देखी चीजें सुन लीजिए, समझा? चलिए, अगर जल्दी से जल्दी से, बिल्कुल वक्त नहीं है। सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो भाजपा की जो प्रैक्टिस है वो बेकार हो जाएगी। चलिए ठीक है, हो गया। क्योंकि चलिए अनुराग सिंह, आपसे भी क्षमा चाहेंगे, देवेंद्र सिंह आर्य आपसे भी हम क्षमा चाहेंगे और विकास वर्मा आपसे भी क्षमा चाहेंगे। चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जायसवाल आपका भी शुक्रिया, अनुराग सिंह, विकास वर्मा, देवेंद्र सिंह आर्य और इरफान रसूल, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 6 अप्रैल का इंतजार कीजिए, क्या कुछ निकल करके सामने आता है। न्यूज़लाइन में इतना ही, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। सही।